कहाँ से भैया आप लोग? राजपुर से। राजपुर से डोसा खाने यहाँ आए हैं? राजपुर से खाने आए हैं और क्या? गाइस आज फाइनली बहुत दिन बाद एक ब्लॉग मैं डाल रहा हूँ, डालूंगा भी वीडियो एडिट वगैरह करके। तो आज अपन जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? आज डोसा सेंटर जाएंगे, जो अंबिकापुर में डोसा सेंटर 2 के नाम से प्रसिद्ध है वो जगह। और वहाँ मात्र 20 रुपीज़ में डोसा खिलाते हैं। तो डोसा सेंटर 2 में अभी जाने वाले हैं हम लोग। अभी निकल रहे हैं, रात का समय हो गया है काफ़ी, और दोस्त लोग का कॉल भी आ रहा है जैसा आप देख सकते हैं। अभी साबिर कॉल कर रहा है, तो चलिए फिर चलते हैं डोसा सेंटर और देखते हैं वहाँ डोसा खाकर कैसा टेस्टी बनाता है डोसा या नहीं बनाता है। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस अभी रात का समय है और हम लोग निकले हैं डोसा खाने हैं, और हमारे भाई असगर भाई राइड कर रहे हैं गाड़ी को जैसा आप देख सकते होंगे। और अभी हम हैं स्कूल रोड और हमारे दोस्त लोग पीछे हैं, आपको अगर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं। और फिर काफ़ी ठंड है गाइस यहाँ, और कमेंट में आप लोग बताइएगा आप लोग जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ ठंड है कि नहीं। हमारे दोस्त लोग पीछे गाड़ी में आ रहे हैं आप देख सकते हैं, और ये है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर। तो गाइस ऐसे ही हमारे ब्लॉगिंग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। चल गाइस ये है चौपाटी, और मैं यहाँ का भी एक ब्लॉग बनाऊंगा आप लोग के लिए, चौपाटी अंबिकापुर का। ये यहाँ पे खाने का एक से एक आइटम मिलता है और काफ़ी मिनिमम रेट में मिलता है, और यही है पूरा चौपाटी। और अभी अपन आ चुके हैं आकाशवाड़ी चौक गाइस, अपन बस पहुंचने वाले हैं, नवापारा के पास है ये। और हमारे गाइस अपन पहुंच गए हैं डोसा सेंटर 2, आप देख सकते हैं वहां से बहुत सारी धुआं उठ रही है, यही है डोसा सेंटर 2। तो गाइस अभी पहुंच गए डोसा सेंटर 2। भैया आप लोग डोसा खाए, कैसा लगा आपको डोसा? सांभर बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। कितना का डोसा देते हैं ये? 20 रुपए का। और मतलब रेट आपको कैसा लगा, प्राइस यहाँ का अच्छा लगा? ठीक लगा। और इडली और मोमोस वगैरह खाए कि नहीं आप? नहीं, बस डोसा खाए हैं। अच्छा, और आप भैया? डोसा खाए हैं सब। अच्छा, अपन पहुँच गए हैं और यहाँ डोसा का रेट है 20 रुपए, इडली 10 रुपए, और मोमोस है 10 रुपए, और बड़ा है 10 रुपए। और ये भैया लोग को बहुत ही अच्छा लगा। कहाँ से है भैया आप लोग? राजपुर से। राजपुर से डोसा खाने यहाँ आए हैं? राजपुर से खाने आए हैं और क्या? अच्छा बाप रे, इतना बेहतरीन डोसा बनाते हैं कि राजपुर से डोसा यहाँ खाने आए हैं। गाइस हम लोग का अभी डोसा बनना रेडी हो गया है। तो भैया एक बार में कितना डोसा निकाल लेते हैं आप? 4। ये ऑयल डाल रहे हैं, रिफाइन ऑयल। ये आलू डाल रहे हैं अभी, आपका और हमारा फेवरेट आलू। अभी ये इडली भी रखते हैं आप? इडली मोमोस। इडली कैसे पीस है? 10 में कितना देते हैं उसको? इडली 10 में 2 पीस। दुकान का नाम है डोसा सेंटर 2, आप अंबिकापुर में हैं यहाँ पे, और
थंबनेल में आप जैसा देखे होंगे डोसा सेंटर 2, वहीं पे अपन आए हैं अभी। और अंबिकापुर में आप आ सकते हैं, नावापारा के पास है, चर्च के समीप चर्च है यहाँ पे, नावापारा के पास ही में है। आप यहाँ किसी से ही पूछेंगे डोसा सेंटर 2 कहाँ पे है तो कोई बता देगा। ये क्या गाजर डाल रहे भैया? ये गाजर डाल रहे हैं अभी, तो एक बार में चार ही निकालते हैं ना। अच्छा नियम है, एक बार में चार नहीं निकालेंगे ना। हाँ इनका छोटा सा ये दुकान है और काफी फेमस हो गए हैं अंबिकापुर में डोसा सेंटर 2 के नाम से, और मात्र 20 रुपए में खिलाते हैं डोसा, और मार्केट रेट से काफी सस्ता है डोसा। और आप भी यहाँ आ सकते हैं, मार्केट में 40-45 रुपए लेते हैं और ये मात्र 20 रुपए में ही आपको खिला देते हैं, और काफी टेस्टी बनाते हैं। अभी खाया तो नहीं अपन, एक बार मैं पहले खाया था, काफी अच्छा लगा था। मैं इनको बोल के भी गया था कि एक बार आऊंगा आपको ब्लॉग बनाने, और आया भी आज, काफी दिन बाद आया लेकिन आया। तो भैया एक दिन में कितना प्रॉफिट हो जाता है आप लोग को? एक दिन में कितना का प्रॉफिट हो जाता है? बस थोड़ा सा भैया, एक दिन में कितना का प्रॉफिट हो जाता है? लमसम मतलब कितना का हो जाता होगा? सेलिंग कितना का हो जाता है दिन भर? 12-15 हजार डोसा भी से कमा लेते हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रहता है वो, उसमें से नेट प्रॉफिट अपना मटेरियल वगैरह का सब निकाल के। मोनू भाई डोसा ले खड़े, मोबाइल में बहुत ज्यादा बिजी है। असगर कैसा लग रहा है भाई लोग? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। साहिद, साहिद तुम टेस्ट नहीं बताए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। असगर एक बार और कष्ट करेंगे बताने के लिए। भाई बहुत ही अच्छा बनाते हैं, आप आके यहाँ एक बार टेस्ट कर सकते हैं। कितना लेते हैं यहाँ डोसा का? 20 रुपए मात्र लेते हैं। बताइए आप लोगों को क्या इसमें सबसे अच्छा लग रहा है? बेहतरीन भाई, वेरी नाइस, बहुत मजा आया खाके। फिर भी इसमें से क्या सबसे अच्छा है? जो मटेरियल डाले ना भाई, वो एक नंबर मटेरियल, काफी अच्छा लग रहा है, और 20 रुपए मात्र बहुत मिनिमम रेट है, और काफी मजा आ रहा है। आप भी आइए एक बार खाने, मात्र 20 रुपए। और आपको कुछ खाने का मतलब? और यहाँ 2-3 वैरायटी और है, और कुछ मोमोस खाएंगे अभी। का जी? और एक मोमोस खाएंगे। मोमोस कैसे रुपए प्लेट है? मोमोस 10 रुपए 5 पीस देते हैं। आप इससे पहले इसको कभी टेस्ट किए हैं क्या? इससे पहले कभी टेस्ट नहीं किया हूँ, लेकिन अभी टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। तो पहले खाया था यहाँ का। तो डोसे का सबसे अच्छा क्या है, मतलब सांभर उम्बर क्या है सबसे बेस्ट यहाँ पे? में सांभर है सबसे अच्छा, सांभर लग रहा है मेरे को यहाँ का, और चटनी भी काफी बेहतरीन है। लाइक एंड सब्सक्राइब देख सकते हैं, और लोग भी यहाँ आके खा रहे हैं भाई। ये इस डोसा 2 के ओनर हैं, देख सकते हैं ये ओनर हैं यहाँ के, जो खुद खा रहे हैं अभी डोसा, आप देख सकते हैं भाई। अभी ये बताइए आप, ये आप ही का है ना डोसा सेंटर? भाई आप बताओ कि कैसा है, मतलब आप ही बनाते हो, कैसा लगता है? ठीक बनते हैं यहाँ का? और जन मतलब आ सकते हैं यहाँ खाने? और जन मतलब यहाँ आ सकते हैं खाने? यहाँ का एड्रेस बता देते हैं आप। नावापारा चौक में आप आ सकते हैं गाइस यहाँ पे, और यहाँ का कुछ खास जगह जहाँ से कुछ पूछ के आ सकता है यहाँ का कुछ क्या? सेंट जॉन स्कूल के पास है ये, अब आ सकते हैं गाइस, देख सकते हैं खाते हुए। तो इडली का कैसा टेस्ट है? इडली भी ठीक ही है, पर थोड़ा ठंडा हुआ है, हल्का ठंड हो गया है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ये इडली लाजवाब खाते हुए हमारे असगर भाई। ये हमारे यूट्यूब के यहाँ ये दिक्कत है कि खड़े होकर खाना पड़ रहा है, और बाकी सब एक नंबर है, बहुत टेस्टी बनाते हैं, काफी अच्छा।
बताइए। और आपको और कुछ खाने का मतलब कर रहा है क्या? मोमोज खाना था लेकिन मोमोज आज खत्म हो चुका है, यहाँ इतना ज्यादा सेलिंग है कि कुछ बचता ही नहीं। गाइस ये है ढोसा सेंटर, ढोसा सेंटर 2 के नाम से ये दुकान है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज्यादा लोग खाने के लिए आए हैं। और अभी तो थोड़ा भीड़ कम है, नहीं तो भीड़ काफी ज्यादा होता है। और अभी अपन खा लिए, बहुत ही मतलब ज्यादा अच्छा लगा खाने में, टेस्टी बनाए थे ये और काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये है बैनर इनका और आप भी आ सकते हैं अंबिकापुर में होंगे तो नावा पारा चर्च के पास है, तो आप यहाँ एक बार जरूर आके ट्राई करें खा के आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप यहाँ आए होंगे, अगर यहाँ पे आए हैं और आप खाए हैं यहाँ पे, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, टेस्टी लगा था कि नहीं। चलिए गाइस फिर अपन चलते हैं, चलो चलते हैं अब घर। और काफी टेस्टी लगा यहाँ का मतलब डोसा खाना बोल रहा था। अभी बहुत ज्यादा रात हो गया है, करीब 9:30 बज गए हैं और अभी अपन चल रहे हैं घर की ओर। चलते हैं।